हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको चाइना किट का प्रॉब्लम रिपेयर करके देखाऊंगा, क्योंकि ये जो चाइना किट है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर दो बार लगाने का बाद ही बार साथ साथ शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये पीसीबी को मैं 200 सीरीज लाइन से मैं टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं 200 सीरीज लाइन से जब मैं लाइन देता हूँ, देखिए इस तरह अप डाउन प्रॉब्लम, ठीक है, और पीसीबी से एक आवाज़ निकलता है। तो उसी कंडीशन पर सीरीज लैंप जब अप डाउन करेगा तो ESD सप्लाई भी अप डाउन करेगा। अब एक बार खुद देख लीजिए, मैं ESD सप्लाई जो 110 वोल्ट लाइन, ये अप डाउन हो रहा है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करें? तो दोस्तों, ये सप्लाई डायरेक्ट देगा तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों, इसीलिए इसका जो बूस्ट पीएफ है 1600 वोल्ट पीएफ, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये जो ESD है, ये ESD भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है इसका ESD अधिकतर फॉल्ट होता है, इसलिए मैं इसका ESD एक बार चेंज करके देखूंगा। तो आप एक बार 1600 वोल्ट बूस्ट पीएफ को चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको इसका पुराना जो ESD है ये आपको एक बार दिखा देता हूँ, और इसका नंबर क्या है आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, 4014K, ठीक है। यहाँ पर आप 1010 ESD लगा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं ESD ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, इसका ESD मैं ओपन किया, ठीक है, और दोस्तों ये ओपन करने का बाद देखिए, इसका ESD का जो बॉडी थोड़ा फूल गया, ठीक है। तो कुछ भी ESD हो सकता है, ये ESD का बॉडी जब फूलेगा ये देखेगा, तब आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि ESD खराब है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, और ESD खराब होने के बाद जो जो प्रॉब्लम, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये भी लाइन का एक रेजिस्टेंस देखिए थोड़ा बर्न हो गया, और आपको जो दिखाऊंगा ये वर्टिकल सेक्शन का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ये थोड़ा बर्न हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये बाद में देखूंगा। और ये जो ABL लाइन का जो रेजिस्टेंस है, आपको दिखा देता हूँ, देखिए ESD को मैं अभी ओपन करके रखा है, और देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ABL लाइन का साथ रेजिस्टेंस है। तो इसका पास 3 और 4 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। ESD लगाने के बाद, चेक करने के बाद वो पता चला गया ESD सही है कि वो फॉल्ट है, ठीक है। चलिए मैं ESD लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, अब देख सकते हो मैं एक न्यू ESD लगाया, मैं 1010 ESD लगाया, ठीक है, 1010A। तो ये लगाने के बाद आपको एक बार सप्लाई देख के टेस्ट करके देखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ESD का फाइनल लाइन थोड़ा दूर रखना पड़ेगा दोस्तों, ये एक सावधानियाँ, ये सावधानियाँ को आपको ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी, उसके बाद आपको सप्लाई दे के देखाऊँगा, ठीक है। ये 200 वाट बल्ब है, ये सीरीज लाइन, तो मैं सप्लाई दे दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा मैं सप्लाई देने के बाद वो देखा, तो देखिए इसका जो सीरीज बल्ब, ये अप डाउन नहीं हो रहा है, तो लगता है ये ओके हो गया, और इसका ESD से सस्ता आवाज निकलता है। और इसका 110 वोल्ट जो ESD सप्लाई, एक बार वोल्टेज देखिए, चेक करके देखाता हूँ कि ये 111 वोल्ट, ये ओके है, पहले ये अप डाउन था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद आपको और क्या देखाऊंगा, ये ESD जो ऑन है, इसीलिए इसका ABL लाइन पर जो वोल्टेज देखिए, रेजिस्टेंस का बाद देखिए, 4.9 वोल्ट के आसपास, तो लगता है ये वोल्टेज ओके है। और आपको और क्या देखाऊंगा, ESD ऑन होने के बाद जो 180 वोल्ट का लाइन, अभी ये कॉइल ओपन है, इसलिए 150 वोल्ट के आसपास देखिए, 152 वोल्ट ही ओके है, ठीक है। तो दोस्तों, और मेमोरी सप्लाई आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 5 वोल्ट ही ओके है, ठीक है। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ट्यूनर पर एक 5 वोल्ट जाना चाहिए वो लाइन पर, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जो IK वोल्टेज बेस बोर्ड पर जाता है, यहाँ पर 8 वोल्ट ओके है। तो दोस्तों क्या देखूँगा, तो ESD ऑन है, इसलिए आपको इसका फाइनल एनोड से जो वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज निकलता है, आप खुद एक बार देख सकते हो। आप ऐसा ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हाई वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको झटका देगा, को अपडेट भी हो सकता हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए।